Dear students, a very good morning to an all. Actually, in last lecture we have discussed the numerical analysis. Numerical problem हमने discuss की थी, वो भी numerical problem किससे regarding थी, जब भी कोई आपका stepped shaft कहीं पर दी रहती है, that means आपका stepped shaft means varying in cross sectional area, also varying in length. दैट मीन्स उसका आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी वेरी कर रहा था, लेंथ भी वेरी कर रही थी, और जो लोडिंग इंटेंसिटी थी आपका वो आपका डिफरेंट थी, यानी कि आपका जो एंड पोर्शन पे आपका हम लोग लोड अप्लाई कर रहे थे वो भी आपका सेम मैग्नीट्यूड में नहीं था, उसके साथ साथ आपका इंटीरियर पोर्शन है वहाँ भी हम लोगों ने लोड अप्लाई किया था, और जब लोड अप्लाई कर रहे थे आपका तो इंडिविजुअल सेक्शन में आपका कितना चेंज आ रहा था, कितनी आपका डायमेंशन में क्या चेंजेज आ रही थी ये हमने देखा, और हमने जब उनका समेशन लिया था आपका तो जो टोटल चेंज है आपका डायमेंशंस में यानी कि लेंथ में है आपका डायमीटर में है, ठीक है, तो इसकी स्टडी हमने लास्ट लेक्चर में की थी. ओके, बट इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट, यानी कि कोई भी आपका बांध या बार है, कोई स्टेप्ड शाफ्ट है, ठीक है, तो आपको उसको मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसे हैंग कर रहे हैं एक फिक्स्ड पोजिशन पर, तो उसमें आपका ड्यू टू सेल्फ वेट कितना इलोंगेशन आता है उसकी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं. ओके, तो इसके लिए आपका जो एनालिसिस करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था वहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो एलोंगेशन आया था वो आया था कितना, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई, ये आपका हमने जो एलोंगेशन निकालते हैं उसके लिए फार्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में. ओके, सो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे आपका सेम आपका सेम टॉपिक पे, एंड टॉपिक इज द एलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट. इस पे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हाँ कितना एलोंगेशन निकल के आ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लैंग्वेज देखें एक बार, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या है ये, यदि देखा जाए क्या दिया हुआ है, अ स्टेप्ड स्टील बार इज सस्पेंडेड वर्टिकली, द डायमीटर इन द अपर हाफ पोर्सन इज 10 mm, अपर हाफ पोर्सन में कितना डायमीटर 10 mm, वाइल द डायमीटर इन द लोअर हाफ पोर्सन इज 6 mm, व्हाट आर द स्ट्रेसेज ड्यू टू सेल्फ वेट इन सेक्शन बी एंड ए, बी यानी कि आपका लोअर मोस्ट होगा और ए क्या होगा ऊपर अपर मोस्ट होगा, अभी आप डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. यंग्स मॉडल दिया हुआ है आपका 200 kN/m² एंड वेट डेंसिटी गिवेन है आपका यहाँ पे 0.7644 × 10⁻³. ओके, व्हाट इज द चेंज इन इट्स लेंथ इफ यंग्स मॉडल 200,000 MPa, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है, आप यहाँ भी देखेंगे ध्यान से तो किलो न्यूटन यानी कि आपका जब न्यूटन में चेंज करेंगे ये तो ये भी आपका 200,000 ही हो जाएगा, दैट मीन 30 और बढ़ जाएंगे तो डी आपका ये 200,000 ही हो जाएगा, आप चाहे यहाँ से देख लें या यहाँ से देख लें. दैट मीन जो गिवन पैरामीटर हो क्या क्या है आपको क्लियर हो गया होगा, गिवन पैरामीटर देखें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो लेंथ दी हुई है आपका, सॉरी जो डायमीटर दिया हुआ है ये आपका स्टेप शाफ्ट दी है, देखें ध्यान से स्टेप शाफ्ट पहले आपका ए पोर्शन है अपर मोस्ट पोर्शन, दैट इज द ए पोर्शन एंड सेकेंड वन इज द बी, ठीक है ना, तो इसको देखा जाए तो फर्स्ट वाले का जो एरिया है हमने मान लिया ए वन निकलेगा, सेकेंड वाले का ए टू निकलेगा, तो ऑब्वियस बात है सर्कुलर शाफ्ट है तो टोटली किस पर डिपेंड करेगा, डायमीटर पर, तो जो आपका अपर मोस्ट है उसका डायमीटर कितना है 10 mm है, और जो लोअर मोस्ट पोर्शन है उसका जो डायमीटर है कितना है आपका 6 mm है, क्लियर है, तो आपका इसके भी हाफ में आप डायमीटर से आप क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो जो ए बी सेगमेंट है इसका जो एरिया निकलेगा दैट इज़ द पाई बाई फोर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, पाई बाई फोर ऑफ डी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 10 का² आएगा, और सिमिलरली आप जब यहाँ से किसका निकालेंगे, जो बी सी शाफ्ट है, बी सी शाफ्ट है उसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन जो ए टू आपने जो दिखा रखा है यहाँ पे, ए टू यहाँ पे दिख रहा तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू कितना है डायमीटर 6, तो 6 का² इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया दोनों निकल जाएंगे, लेकिन फिर से बता रहा हूँ आपको कि प्रोसेस क्या है, पैसों आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको कौन सी शाफ्ट जो आपका, देखिए स्टेप्ड शाफ्ट है दो सेक्शन में डिवाइड है तो कौन सी शाफ्ट आपको चूज करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लोअर मोस्ट शाफ्ट, यानी कि आपका इसीलिए आपको यहाँ पे बी ए दिया हुआ था तो लोअर मोस्ट शाफ्ट चूज करेंगे, यानी कि जो बी सी पोर्शन है वो चूज करेंगे, और बी सी पोर्शन के वेट के कारण से, बी सी सेक्शन के वेट के कारण से आपका जो वहाँ पे स्ट्रेस एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस लगेगा इस वेट के कारण से, ठीक है ना, इस वेट के कारण से आपको कितना स्ट्रेस आपको यहाँ पे इंड्यूस होगा उसको यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो हम बी पे जो स्ट्रेस निकालेंगे उसके बिहाफ पे हम एलोंगेशन भी निकालेंगे किस पे कितना एलोंगेशन है, ठीक है ना. ओके,
उसके बाद क्या करेंगे हम, ए पोर्शन पर आपका जब क्या बोलते हैं जो वेट निकालेंगे तो एरिया तो आपका यही रहेगा, ए वन ही रहेगा, लेकिन जो आपका वेट आएगा वो कितना आएगा, दैट मीन्स वहाँ पे इसका भी वेट काउंट होगा, दैट मीन्स पोर्शन बी सी का भी वेट काउंट होगा और पोर्शन ए बी का भी वेट काउंट होगा, तो दोनों पोर्शन के वेट ऐड हो जाएंगे एंड जो एरिया यूज़ करेंगे वो आपका एवन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आपका एलोंगेशन जो स्ट्रेस आएगा उसके भी यहाँ पर जो एलोंगेशन आएगा उसको हम निकालेंगे। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लोअर मोस्ट पोर्शन काउंट करेंगे, दैट इज़ द पोर्शन बी सी। तो बी सी के आपका जो एरिया आएगा दैट इज़ द ए टू, तो ए टू की निकालेंगे आपका पाई बाई फोर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, तो डी कितना आपका 6 mm, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 28.27 mm² आ गया बी सी के लिए आपका एरिया, दैट इज़ द ए टू। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, वेट ऑफ द पोर्शन बी सी निकालेंगे, वेट निकालेंगे तो वेट के लिए मैंने पहले ही निकाल रखा है हमने, क्या होता है आपका रो ए टू एल टू। एक्चुअली हम यहाँ पे नाम जरूर वेट दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये आ रहा है इक्वेशन, ये मास के भी हाफ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी होता है। और जब ये आपका रो हो गया, जब वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो जो ये रो ए एल आ रहा है यहाँ पे, रो ए एल एल आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किसको शो कर रहा है, मास को, बट हम यहाँ पे इसको एज अ वेट ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि W बराबर एम जी होता है। तो हम जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका G, ठीक है ना, सॉरी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है G, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, ओके। और आप डायरेक्ट मास को लेकर के हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से आपका जो वेट आएगा, जो सेकेंड पोर्शन है लोअर मोस्ट पोर्शन दैट इज़ अ बी सी, उसका जो वेट आएगा रो ए टू एल टू, तो रो आपको पता ही है गिवेन है आपका यहाँ पे कितना 0.7644 दिया हुआ है। ए टू आपको हमने निकाल लिया अभी जस्ट ऊपर यहाँ पे 28.27 mm², और एल टू है पता है कितना है, ये लेंथ दोनों के ही सेम है 1 mm, दैट मीन्स आपका 10 to the power 3 mm, ठीक है ना, क्लियर है। एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 0.7644 × 10⁻³, ये इसकी डेंसिटी दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद 28.27 जो है आपका ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये एरिया दिया हुआ है एंड जो 1000 है वो लेंथ हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21.61 N आ जाएगा, ये है आपका सेक्शन बी सी का वेट आ जाएगा। जब आप वेट निकाल लेंगे, तो जैसे आप वेट निकालेंगे तो वेट के तुरंत बाद आप लोअर मोस्ट पोर्शन इस सेक्शन बी सी पर ही आपका जो पॉइंट बी पर है यहाँ पे स्ट्रेस कितना आएगा, तो स्ट्रेस के लिए हमने पहले ही लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर रखा है कि यहाँ पे स्ट्रेस कितना आएगा, डब्ल्यू एल अपॉन 2 AE आता है, ठीक है ना, कितना आता है डब्ल्यू एल अपॉन स्ट्रेस, देखें स्ट्रेस ऑन, तो आप कोई सी स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली लोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लोड, देखें स्ट्रेस दिया, लोड कितना दिया है डब्ल्यू टू और एरिया कितना है आपका ए टू का, तो लोड कितना निकाला आपने 21.6 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द लोअर मोस्ट बार, ठीक है, एरिया कितना आया था आपका 28.27, तो यहाँ से इसको करेंगे तो आपका सिग्मा बी निकल जाएगा, स्ट्रेस ऑन पॉइंट बी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम स्ट्रेस हमें पॉइंट ए पे भी निकालना पड़ेगा, तो सेम पॉइंट ए पर निकालना पड़ेगा, बट जब हम पॉइंट ए पर स्ट्रेस निकालेंगे, यहाँ पर जब निकालेंगे तो वहाँ पे खाली आपका जो ए बी पोर्शन है, जो खाली ए बी पोर्शन है, यही बस रोल प्ले नहीं करेगा अपना सेल्फ वेट में, बल्कि इसके साथ साथ इस पॉइंट ए पे जो स्ट्रेस लगेगा वो कहीं ना कहीं इस पर जो इम्पैक्ट रहेगा वो मतलब कि ए बी सेक्शन के अलावा बी सी का वेट भी काउंट होगा, ये भी अफेक्ट डालेगा, दैट मीन्स स्ट्रेस इंटेंसिटी पर जो ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस लगेगा। इसलिए हमें, क्योंकि हम पहले से बी सी का वेट हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो ए बी का वेट और निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करके उसके बाद एरिया से डिवाइड करेंगे तो अपने आप क्या होगा, पॉइंट ए पर स्ट्रेस निकल जाएगा, क्लियर है। चलें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वेट निकालेंगे या फिर इसका एरिया निकाल लें, तो इसका जो एरिया आएगा आपका किसका, ए वन का पाई बाई फोर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, डी कितना है आपका 10 mm, तो पाई बाई फोर इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ देखो पाई बाई फोर इंटू 10 का स्क्वायर जो कितना आएगा 78.54 mm² आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डब्ल्यू एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू टू निकाल चुके हैं यहाँ, तो डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा, अगेन रो ए वन एल वन, रो आपको पता है 0.7644 × 10⁻³ हो गया, एरिया आपने निकाल रखा है कितना आया 78.54 और L1 आपका इसमें भी लेंथ समान है 1 meter, कितना है इक्वल है ना 1 meter, तो कितना हो गया 1000 mm आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब आपका वेट आपका सेक्शन ए बी का निकल गया
तो टोटल वेट निकालने के लिए आपका क्या करेंगे, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे तो स्ट्रेस एट पॉइंट सी निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका स्ट्रेस एट पॉइंट बी और स्ट्रेस एट पॉइंट सी दोनों ही हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। बट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेस नहीं बल्कि क्या निकालना है आपको, एलोंगेशन निकालना है। दैट मीन्स इस सेल्फ वेट के कारण से कितना एलोंगेशन आया। तो एलोंगेशन के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है। यदि हम बी सी की बात कर रहे हैं, पोर्शन बी सी की बात कर रहे हैं, यानी कि लोअर मोस्ट पोर्शन है, तो क्या होता है, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ही मैंने पहले बताया था आपका, डिफ्लेक्शन आपका जो एलोंगेशन आता है डेल्टा एल जो आता है वो कितना आता है, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई आता है, टू ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चूंकि लोअर मोस्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं तो कितना वेट है आपका, डब्ल्यू टू लेंथ एल टू अपॉन ट्वाइस ऑफ ए टू ई। ठीक है, तो सारी वैल्यू गिवेन है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से डब्ल्यू एल और डेल एल ऑन जो आपका इंक्रीमेंटल लेंथ आ जाएगी किस पे, बी सी पोर्शन पर। ऑन द सेम वे क्या करेंगे हम, जो भी आपका चेंज इन लेंथ किस पे निकालेंगे, ए बी पे निकालेंगे। जब ए बी पे निकालेंगे फिर से वही चीज़, वेट आपका यहाँ पे, वेट आपका ऐड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफ्लेक्शन एट ए बी तो क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू एल वन अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वन ई, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू टू एल वन अपॉन ए ई ए वन ए ई वन। ठीक है ना, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका टोटल जो एलोंगेशन आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0033 mm आ जाएगा। क्लियर है? अब जब आपने डेल एल बी सी की निकाल लिया, ठीक है, डेल एल ए बी की निकाली, तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या करेंगे आपका, दोनों को ऐड कर देंगे, और जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, दैट मीन टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा कितना, दैट इज द क्या करेंगे, 0.00191 प्लस 0.0033 ऐड कर देंगे तो 0.00521 mm आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका डिफ्लेक्शन, या मैं कहूँ आपका चेंज इन लेंथ। ओके, दैट मीन्स एलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट, कितना आपका एलोंगेशन हो रहा है, या फिर कह सकते हो कितनी इंक्रीमेंट हो रही है आपका लेंथ में, चेंज कितना आ रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड फॉर टुडे आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ, सो थैंक यू सो मच।